हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर लेकर आया हूँ। ये लास्ट चैप्टर है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग को अगर सवाल आ गई तो समझ लीजिए आप लोग बोर्ड पेपर में हल कर लेंगे, अन्यथा सवाल को देख लीजिए, उसी तरह बोर्ड पेपर में सवाल आती है, आप लोग हल करके आएंगे तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। चलिए हम पहली सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल इस तरह बोर्ड पेपर में आई हुई सवाल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। देखिए, दिया है पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13, तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी होता है, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है, पी बी कितना है 9/13, ठीक। तो हल कर लेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक, यही तो होगा। अगर ना समझ में आए इस तरह तो ऐसे कर लो, 4/13 गुड़े ये पलट जाएगा 13/9, 4/9 बचा, ठीक, आपके यह आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरी सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है ना, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसको ध्यान देना। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे, यानी यस बराबर, अगर देखो माना लड़का कहा है तो इसमें लड़का को यक्स मान लेते हैं, लड़का को यक्स मान लो या कुछ भी आप मान सकते हो, ए बी कुछ भी, लड़का यक्स लड़की वाई है, ठीक। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, मान लो एक लड़की एक लड़का हो गया, फिर दोबारा भी लड़का हो सकता है, ठीक, फिर एक बार लड़का हो गया, फिर दोबारा मान लो लड़की हो गई, फिर क्या हो सकता है, पहले लड़की हो गई फिर लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर अगली प्रायिकता क्या हो सकती है इसकी, अगली प्रतिदर्श समष्टि हो सकती है या तो दोनों लड़की लड़की हो सकती है, यही तो हो सकती है, यही तो संभावना बन सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखिए आगे, यदि हम लड़के को ए मान लें या फिर ए मान लें हम, तो इसमें क्या कह रहा है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चों के लड़के होने के लिए, दोनों बच्चों के लड़का, देखो दोनों बच्चों में क्या है, लड़का दोनों है, तो ये एक ही हुआ, ठीक है ना, यानी एक्स और एक्स हम लिख सकते हैं, लड़की क्या हुई, लड़की या फिर जो कुछ भी कहे, क्या हुआ, एक्स कामा वाई, फिर वाई कामा एक्स, फिर वाई कामा वाई, यही तो हुआ। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, पहले देखिए पी अगर ए इंटरसेक्शन अगर हम बी निकाल लें, दोनों में क्या मिल रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यक्स कामा यक्स, ये यक्स कामा यक्स प्रतिदर्श समष्टि से, तो यक्स कामा यक्स क्या हुआ, एक बार मिला, और टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 1/4 लिख सकते हैं, प्रायिकता यही तो होती है ना। अब देखिए अगर हम पी पी बी निकाल लें, पी बी क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा 3 है, टोटल कितना है 4, 3/4 हो सकता है। अगर हम पी ए बाई बी हम लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो सकता है, ये तो होगा। इसकी प्रायिकता अगर निकालें हम, ये तो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/4, 3/4 है, 1/4 गुड़े 4/3, इसको हम पलट देंगे 4/3, 4 से 4 कट गया 1/3, ठीक है ना। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम होता है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं। चलिए हम तीसरी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग छा है पाया गया, संख्या के 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो, एक पासे को 2 बार उछाला गया, इसका अगर समष्टि प्रतिदर्श निकालना होगा या प्रतिदर्श समष्टि, तो क्या होगा, यस बराबर या संख्याओं का योग कितना पाया गया, 6 पाया गया। अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि होती है 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3 बार कहे तो 6 का क्यूब, 4 बार कहे 6 की घात 4, ठीक है ना, ये प्रतिदर्श समष्टि होती है। 2 बार उछाला गया, 6 की घात 2, 36 हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, 36। अब इसके बाद कह रहा है, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, संख्या 4 की 1 बार न्यूनतम, तो यहाँ ई मान लेते हैं, ई बराबर
4,1 हो सकता है, सॉरी 4, हाँ ठीक है, 4,1, 4,2 हो सकता है, यानी 4 के न्यूनतम एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, पहली कंडीशन में 4 आएगा ही आएगा। 2, 4,3, 4,4, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है, जो ये हो गया। अब देखिए ये भी तो हो सकता है, पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में 4, 1,4, ठीक, फिर क्या हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 4,4 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों अगर कंडीशन ये दे देता इसमें भी कि दोनों पासों पर वही संख्या अगर नहीं आएगी तो इसको भी ना लिखते, लेकिन कंडीशन नहीं दिया गया है। 3,4, फिर 5,4, फिर क्या है, 6,4 है, तो 4,6 है, 6,4, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल कितना है, 11, 6,4 ही। अब देखिए हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, यह बराबर क्या हो जाएगा। देखिए प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है, तो दूसरी बार मान लो उछाला गया तो उसका योग जो आएगा वो 6 होना चाहिए। देखिए जैसे 1,5, इसका योग क्या है, 5, 6 हो जाएगा। 5,1 भी आ सकता है, पहले 1 आ सकता है 5 पर, दूसरी बार 1 आ सकता है, 5 और 1 हो सकता है, ठीक है ना। 2,4 भी हो सकता है, 4,2 भी हो सकता है, 3,3 भी आ सकता है, ठीक। कितनी बार हुआ, 2, 2, 4, 1, 5 बार, ठीक है ना। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ये क्या हो जाएगी, पी हो सकती है 11/, टोटल कितना है, 36, पी ये अब क्या हो जाएगी, 5/36, ये तो होगी। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ई इंटरसेक्शन, ई ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 2,4, 2,4 है कहीं, 4,2 है, 2,4 है, ये देखो ये दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, ये क्या हो जाएगा, 2/36, ठीक, प्रायिकता है ना। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, पी इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन यफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सॉरी पी ई बाई यफ होगा ना, पी ए सॉरी ई इंटरसेक्शन यफ अपान पी यफ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन यफ 2/36, यहाँ क्या है, पी यफ क्या है, 5/36, 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/5, आपका यही आंसर हो गया। चलिए हम चौथे सवाल देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - पी ए नाट, ए डैश नहीं ए नाट है, इंटू पी बी नाट, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता है ना, तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, यही होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस, जब पी ए इंटरसेक्शन बी, जब ये ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, पी ए इंटू पी बी हो जाता है, ठीक, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, आया समझ में। अब देखिए हम कॉमन ले लेंगे, पी ए प्लस यहाँ पी बी, यहाँ भी पी बी, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पी बी यहाँ क्या बचेगा, 1 - पी ए, पी ए ये होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, 1 - पी ए, 1 - पी ए मतलब एक में से अगर इसको घटा देंगे तो नाट हो जाएगा, पी ए नाट हो जाएगा, ठीक है ना, पी ए नाट हो जाएगा। अगर फिर इसी को पी ए नाट को हटाना होता है तो फिर 1 - पी ए लिख देंगे, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है पी। अब देखिए पी ए, पी ए हम क्या लिख सकते हैं, 1 - पी पी ए नाट लिख सकते हैं, 1 - पी ए नाट लिख सकते हैं इसको, प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, ये तो लिख सकते हैं, या नाट 1 -
देखिए पी ए डैश सॉरी पी ए नाट और पी ए नाट में कॉमन क्या है, पी ए नाट कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ क्या बचा वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वन, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ क्या बचा, पी बी बचा, पी बी बचा है ना, ये तो बचा है। अब वन माइनस पी ए नाट, वन माइनस पी बी नाट, पी बी क्या हो जाएगा वो पी बी नाट, यही होगा कि नहीं, बस सिद्ध हो गई है। देखिए आपका इतना ही सिद्ध करना था, सवाल हल हो गई, आपकी प्रूव हो गई सवाल। चलिए हम इस वीडियो की लास्ट सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड पेपर में आई हुई है सवाल, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम से 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करें करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर एक, समस्या हल हो सकती है, उनमें से तथ्यतः कोई एक हल कर सकता है समस्या को, ठीक है ना। तो अब देखो पहले दिया क्या है, लिखेंगे पहले पी ए बराबर 1/2 और पी बी कितना दिया है 1/3, हल करने की प्रायिकता दी है ना 1/2 और 1/3। पी ए नाट निकाल लेते हैं, पहले ए नाट निकाल लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो 1 - 1/2 कर देंगे, तो 2 × 2 1/2 हो जाएगा। पी बी नाट क्या हो जाएगा, पी बी नाट होगा 1 - 1/3, 1 में से 1/3 घटाओ, 3 × 2/3, 3 × 3 - 1 2/3 होगा ना। अब देखिए समस्या हल हो सकती है, समस्या कैसे हल हो सकती है, देखिए नंबर एक यहाँ हम लिख देते हैं, समस्या हल हो सकती है देखो, या तो ए या बी, ए या तो बी, या तो बी या दोनों, दोनों यानी ए और बी, ए और बी दोनों हल कर सकते हैं, दोनों हल कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो ए हल करेगा तो बी नहीं, देखो देखिए यहाँ ए पी ए हल कर लेगा, मान लो या तो ए विकल्प में है ना, ए हल कर लेगा, मान लो बी हल ना कर पाया, ठीक है ना, तो यहाँ बी डैश लगा देंगे। प्लस या तो दोनों, या मतलब प्लस होता है इसमें, दोनों बी हल करेगा, मान लो जैसे यहाँ देखो बी हल कर लिया, ए ना हल कर पाया, क्या हो जाएगा पी ए नाट, ठीक है ना। ये दोनों ए और बी, ये दोनों ए और बी अगर हल कर सकते तो यहाँ क्या होगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए पी ए का मान क्या है 1/2, पी बी डैश है, पी बी नाट तो ये क्या है 2/3, प्लस पी बी कितना है 2/3, ये तो है सॉरी ये पी बी कितना है 1/3 है, पी ए ए नाट 1/2, प्लस पी ए कितना 1/2, पी बी कितना है 1/3 है, 1/3 हल कर लेंगे। देखिए इसको चाहे काट दो चाहे ऐसे रहने, 2/3 प्लस 1 × 1/6, या फिर इसको काट ही दो ठीक रहेगा, 2 से 2 कट गया, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 × 6, नहीं काटोगे तब भी ठीक रहेगा। देखिए एलसीएम 6 × 3 × 6 2 + 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 6 = 1, 2 × 2 = 4/6, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, प्रायिकता क्या होगी 2/3, प्रायिकता क्या हो गई पहले की समस्या हल करने की 2/3, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या है, दूसरा, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर सकता है, दूसरा स्टेप क्या है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर सकता है, तो या तो ए या तो बी हल करेगा ना समस्या को, करेगा तो क्या हो जाएगा पी ए, मान लो ए हल किया पी बी ना कर पाया, ठीक है ना, पी बी नाट ये तो होगा, प्लस पी बी हल कर लिया ए ना हल कर पाया, तो क्या हो जाएगा पी ए नाट, यही तो होगा। अब देखिए पी ए कितना 1/2, पी बी डैश मतलब पी बी नाट 2/3, प्लस पी बी कितना 2/1/3 है, 1/3 पी ए नाट 1/2। अब देखिए 2/3 × 6 प्लस 1/6 2 × 1 = 3, 3/2 देखो ये हर समान है, 2 × 1 = 3, 3/6 3 × 3 = 3 × 6 1/2, इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/2। आए समझ में, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में आए, एकदम बढ़िया समझाया गया, ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।